Hey guys, welcome to my channel Lina's Lifestyle. Guys, happy new year to all my viewers. Welcome 2021 with new makeup look, with new beautiful day. Guys, ये बहुत ही प्यारा look है जो मैंने आप लोग के लिए create किया है. New year का पहला दिन है, 1st January 2021. I hope आपको ये look पसंद आएगा. मेरा मेकअप लुक अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें गाइस, ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. गाइस, बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ठंड है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोनर से. ये है रोज़ वाटर. मैं रोज़ वाटर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा पिंकिश लुक चाहिए गाइस. और बहुत अच्छा होता है रोज़ वाटर, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है. सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालयस का कोको बटर लिप बाम. गाइस, विंटर इतने ज़्यादा हैं कि आपको लिप्स को दिन में कई बार हाइड्रेट करना पड़ेगा. सो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थिक क्रीम मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र थिक क्रीम, जो बहुत ही अच्छी है गाइस. अगेन, इतनी अच्छी है कि आपकी स्किन को होल डे हाइड्रेट रखेगी, सॉफ्ट रखेगी, ग्लोइंग रखेगी. तो अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे. कोई भी मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले मैं CTM जरूर. ओके, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमर. ये है आई एम सीरम का प्राइमर, ऑल टाइम फेवरेट सिलिकॉन बेस है. ज़रूर अप्लाई करें, आपके पोर्स मिनिमाइज रहेंगे, आपका जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस रहेगा गाइस. कभी भी फाउंडेशन आप लगाते हैं या कोई भी बेस करते हैं तो उससे पहले ज़रूर अप्लाई करें. ये है मेबलिन का फिट मी 24 आवर फाउंडेशन, जो ऑल टाइम फेवरेट है. ये एल रिब्रा का ब्रश है फाउंडेशन पे, जिससे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ. अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेकर हमने टैप टैप करके अपने फेस पर अप्लाई करना है. एकदम रगड़ना नहीं है, बस टैप टैप करके अच्छे से अप्लाई करना है ताकि हमारा बेस जो है ना गाइस फ्लॉलेस लगे. सो गाइस, की ऑफ द बेस मेकअप इज ब्लेंडिंग 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 ब्लेंडिंग. गाइस, ब्लेंडिंग अगर परफेक्ट है आपका मेकअप ऑब्वियसली परफेक्ट होगा, आपका बेस बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल लगेगा. सो ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ब्लेंडिंग अच्छे से करें, आपका कैकी ना हो ज़्यादा, ऐसा ना लगे जैसे आपने कुछ बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने फेस पर लगा रखा है. और दूसरी बात, आपका जो फाउंडेशन है करेक्ट होना चाहिए. सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर. अगेन, बहुत अच्छा है, नेचुरल शेड है. सो अच्छे से हम लगा लेंगे ताकि हमारा बेस जो है वो सेट हो जाए. कॉन्टोरिंग के लिए मैं अब तक का बेस्ट कॉन्टोरिंग पैलेट है मेरा, ये आई शेडो पैलेट. जी हाँ, वेट एंड वाइट का रोज़ इन द एयर. इसका जो ब्राउन शेड है गाइस, मुझे कॉन्टोरिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट लगता है. सो कॉन्टोरिंग ज़रूर करें. आई लव कॉन्टोरिंग गाइस, और मैं आप सबको यही कहूँगी, अगर आप मेकअप अच्छे से करना चाहते हैं तो कॉन्टोरिंग ज़रूर करें. सो मुझे ज़रूरत है, मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो इस तरह से कॉन्टोरिंग करेंगे, बाद में ब्लेंड कर लेंगे. देखिए कितना प्यारा लगता है, आपका फेस बिल्कुल अलग लगता है. नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे, चिक बोन की कॉन्टोरिंग करेंगे, आपको जो फोर हेड है इतना अगर ब्रॉड है तो उसे ज़रूर करें. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पता नहीं क्या गाइस, मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है मैं उठा के पिकअप कर लेती हूँ. सो मैंने ये ब्लशिंग के लिए किया है ब्यूटी पीपल के पैलेट में से पिंक शेड, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है आजकल. ये है क्रोम हाईलाइटर, मेटेलिक हाईलाइटर मेबलिन का. अच्छे से हम नोज़ ब्रिज ऑफ द नोज़ टिप ऑफ द नोज़ को थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे भर भर के, पर हल्का हल्का सा हाईलाइटर ज़रूर लगाएंगे एक ग्लोइंग मेकअप के लुक लिए. सो अच्छे से लगाएंगे, हमारा जो चिक बोन है वहाँ लगाएंगे, क्यूपिड लाइन पे लगाएंगे. अच्छे से हल्का हल्का सा हम हाईलाइटर ज़रूर लगाएंगे, जो बचेगा उसे हम अपने फोरहेड पे और चिन पे कर देंगे. ठीक है, हो गया हमारा हाईलाइटर कंप्लीट. अब उसके बाद हम लेंगे मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर. उसमें से ब्रश, जो हमारी कॉन्टोरिंग लाइन है गाइज, उसके नीचे हम थोड़ा सा जॉ लाइन के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारा जो हमने किया है फेस पर कॉन्टोरिंग वो दिखाई दे. उसके बाद मैं ले रही हूँ आई एम सीरम का प्राइमर थोड़ा सा, और अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ. अगेन, अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है या आपकी फाइन लाइंस है, वो ये हाइड करता है, इंस्टेंटली कवर अप कर लेता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर. कंसीलर अगेन नेचुरल शेड है, बहुत अच्छा है गाइस, मगर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. इसे फटाफट से हम इसे ब्लेंड भी कर लेंगे, जहाँ भी आपके डार्क सर्कल्स हैं या डार्क पैचेस हैं या डार्क मार्क्स हैं, कोई भी पिगमेंटेशन के निशान है उसे फटाफट हाइड कर लेगा.
उसके बाद हम उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट भी कर लेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ सनराइज का, अगेन बहुत ही अच्छा पैलेट है, उसमें से लाइट ब्राउन शेड अपने क्रीज लाइन पर हम लगाएंगे, इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगेन ब्लेंडिंग इज अ की ऑफ द मेकअप गाइस, इसे ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ पर्पल कलर, इसे हमें सिर्फ रखना है आई लिड पर, ब्लेंड नहीं करना है गाइस, इसे इस तरह से रखना है। देखिए एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से दोनों आईज पे पर्पल कलर हम वी शेप में डार्क कलर के लगाएंगे आउटर लिड पर, इस तरह से। देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं ले रही हूँ नेक्स्ट जो है ये है शिमर कलर है एक्चुअली, तो मैं इसे हाफ लिड पर अप्लाई करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। इसे भी ब्लेंड नहीं करना है, जस्ट आपको रखना है अच्छे से। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है गाइस, आई होप आपको पसंद आएगा। सो देखिए इस तरह से मैं हाफ लिड पर रख रही हूँ, और जो मेरी इनर ये है ग्लिटर कलर गाइस, अमेजिंग ग्लिटर कलर है, बिल्कुल रेडियम कलर का। इसे मैं ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर से अप्लाई करूँगी हाफ ऑफ द लिड पर। हाफ में मैंने शिमर कलर अप्लाई किया, हाफ में मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है। ये लुक बहुत ही अमेजिंग है गाइस, बहुत ही प्यारा है। न्यू ईयर पे न्यू लुक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो अच्छे से हम लगाएंगे, अगेन इसे ब्लेंडिंग नहीं करना है, लेकिन फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा सेट कर लिया था। देखिए उसके बाद मैं वही ब्रश लेकर जो मैंने कलर लिड पे अप्लाई किया उसे मैं बॉर्डर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, लोअर बॉर्डर लाइन पे। आई मेकअप इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इनर कॉर्नर तक मैंने ग्लिटर को अप्लाई किया है गाइस, और नीचे बॉर्डर लाइन में, लोअर बॉर्डर लाइन में भी अप्लाई किया है इनर कॉर्नर में, ताकि वो सुंदर लगे। उसके बाद कर रहे हैं अपने ब्रो को कम्प्लीट। ये है स्विस ब्यूटी की ऑल टाइम पेंसिल, देखिए ब्रोज भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है फटाफट। उसके बाद मैं कर रही हूँ पेंसिल, ये है नियॉन का स्केच आईलाइनर, ब्लैक शेड है। इसे फटाफट से हम विंग ड्रॉ कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, अगेन देखिए। और अच्छे से हम ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, बट अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी की आइकॉनिक पेंसिल, जो है अगेन काजल है, बहुत ही अच्छा डार्क शेड है, लेकिन मैं फुल आईलिड पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ गाइस, मैंने बस थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये है हाइपरकल मस्काला, मेबलिन का मस्कारा है, अगेन बहुत अच्छा वाटरप्रूफ है, आपके लैशेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए अब इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी, अगेन मेटेलिक हाईलाइटर क्रोम, जिससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी, अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। सो इट्स ऑलमोस्ट डन माय मेकअप। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी लिप्स। लिप्स के लिए मैं गाइस इस बार कोई भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने स्विस ब्यूटी की डार्क ब्राउन शेड है, ब्राउन नहीं कह सकते, थोड़ा कॉफ़ी कलर है। गाइज अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाना पसंद करते हैं, लिप ग्लॉस लगाना पसंद नहीं करते, कभी कभी ऐसा मूड होता है, तो आप इस तरह से पेंसिल से अपनी लिप्स को शेप अप कर सकते हैं, परफेक्ट शेप दे सकते हैं, और उसे अंदर की तरफ ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लगता नहीं आपने लिपस्टिक लगाई है। सो देखिए इस तरह से आज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मूड में हूँ। सो उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की ये है लिपस्टिक, ये एक्चुअली लिप ग्लॉस टाइप की है, उसके ऊपर से मैंने अप्लाई की है, तो लग रहा है जैसे कि मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। सी लिप्स आपके एकदम शाइनी हो जाएंगे। सो ये है मेरा फाइनल लुक जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है गाइज, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब